हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। बिगनर्स हमेशा ये सोचते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस होगा, ये सब्ज़ी कैसे बनती होगी, हमसे नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ट्राई किया और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। तो आइए मैं बताती हूँ। आपको कढ़ाई गर्म करनी है, इसे मीडियम फ्लेम पर रखें और आपको करना क्या है, इसमें धनिया पाउडर डालना है, एक चम्मच जीरा डालना है, एक चम्मच राई डालनी है, तेज पत्ता डालना है और आपको बड़ी इलायची डालनी है, एक दालचीनी डालनी है और पत्थर फूल डालना है, आपको 3 से 4 लौंग डालने हैं फ्रेंड्स, और हरी इलायची डालनी है और इसे छबीला कहते हैं फ्रेंड्स, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, और काली मिर्च डालिए। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी और इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनिए, इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, पनीर चुई ना हो इसके लिए आपको इसको तवे में सैलो फ्राई करना। पनीर को कभी भी डीप फ्राई ना करें फ्रेंड्स, इससे वो बहुत चुई हो जाता है और वो बहुत अजीब लगता है सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसे सैलो फ्राई करके और हमेशा पानी में ही निकालिए फ्रेंड्स, ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। और आपको करना क्या है, एक बड़ी शिमला मिर्च लेनी है और एक प्याज लेनी है और इसे तवे में ही फ्राई करना है। कभी कढ़ाई में फ्राई मत करिए, अदरवाइज़ ये सॉगी सी हो जाएंगी और इसका क्रंच चला जाएगा। तो आपको गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, नॉर्मल हमारे मसाले डाल के इसे तवे में 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से रोस्ट करिए और ढककर इसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए, ताकि इसका क्रंच ना जाए बट हमारी सब्ज़ी पक जाए। और आपको नमक नहीं डालना है फ्रेंड्स। और हमने ये लास्ट में डालने के लिए कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी पक गई है बट इसका क्रंच नहीं गया है। तो आइए हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम कढ़ाई गर्म करेंगे, तेल गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज और हम डालेंगे इसी वक्त नमक, ताकि प्याज हमारी जल्दी से ब्राउन हो जाए। फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इस वक्त हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे ढककर करीब 1 मिनट के लिए गलने तक के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा मसाला हो गया है, इसमें मैं डाली हूँ धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फूड कलर है तो वो भी डालिए, बट घर में ज़्यादा अच्छा नहीं होता ये, तो आप देगी मिर्च का यूज़ करें और इसे डालें और अच्छे तरीके से पकाएं। मसाला मेरा हो गया फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस कर रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में तेल डाल के मैं इसमें पोस्ता दाना डाला है, मैंने अजवाइन डाला है और कलौंजी डाला है, उसे मलकर ही डालिए फ्रेंड्स, इससे इसकी फ्रेग्रेंस बनी रहती है। अब इसमें जीरा डालिए, राई डालिए और हरी मिर्च डालिए। फ्रेंड्स, इस स्टेप पे आपको लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और हमारी ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था उसे आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि सारे तरफ से उसमें तेल निकलने लगे। फ्रेंड्स, देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से मेरा हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी क्रीम। क्रीम डालना बहुत ज़रूरी होता है रिचनेस के लिए फ्रेंड्स, रिचनेस के लिए आपको क्रीम तो डालनी ही पड़ेगी। तो आप क्रीम डालकर भी इसे बहुत अच्छे तरीके से करिए। और इसके बाद आपको डालना है फ्रेंड्स, सीक्रेट है, ये है सॉस। यस, सॉस डाल के आपको ग्रेवी को अपने अच्छे तरीके से मिला लीजिए। और आपको करना क्या है, अब सारे मसाले डालने हैं इसमें अच्छे तरीके से, और इसी वक्त हमने जो कढ़ाई पनीर का मसाला बनाया था फ्रेंड्स, वो भी डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए और इसे करीब 1 मिनट के लिए बस आप इसी तरीके से पकाइए। और आपको लास्ट में इसे गार्निश करने के लिए कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी डालकर आपको इसको करीब 1 मिनट तक और अच्छे से पकाइए। फ्रेंड्स, आपको और अच्छी सब्ज़ी रिचनेस देनी है तो आप सर्व करते समय इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है और यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाना।